बच्चों सुप्रभात। कक्षा 11वीं में गृह विज्ञान सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे आज पट्टियों के प्रकार उपयोग में कि जब चोट लग जाती है तो कृत्रिम सर्जन या कैसे हम सांस लेने के लिए उसका प्राथमिक उपचार करते हैं और क्या है कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, है ना। उसको क्या बोलते हैं कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल। प्रतिदिन प्रतिक्षण हम स्वयं सांस लेते छोड़ते तो है ही, सांस लेने में प्राकृतिक सांस लेना कहते हैं। जैसे कि नेचुरल हवा में हम अगर लेते ऑक्सीजन अच्छी रहती है तो वो ओरिजिनल होती है, प्राकृतिक होती है ना। और अगर किसी जैसे सपोर्ट लाइफ सपोर्ट के द्वारा दी जाए वेंटिलेटर से तो उसे हम कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल श्वसन बोलते हैं। तो फिर बताया है कि बीमारियां अथवा डूबने की गले में, डूबने से अगर गले में कोई वस्तु अटक जाती है या बंद कमरे में आग जलने पर उस अवस्था में ये सब दशाएं उत्पन्न होती है कि हमें कृत्रिम श्वास लेना पड़ता है। रोगों को तुरंत खुली हवा, रोगी को कहां ले जाना चाहिए, तुरंत खुली हवा में ले जाना चाहिए। अगर जब आग लग जाए या गले में कोई वस्तु अटक जाए तब, है ना। फिर यदि उसे गले में कोई वस्तु अटकी होती है उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए पहले। फिर नाक की परीक्षा करनी चाहिए कि कोई वस्तु नाक में तो नहीं अटकी है, उसे भी निकाल देना चाहिए। फांसी और फांसी की दशा में जब कोई व्यक्ति फांसी लगा लेता है तो उसकी दशा में आप गले में चारों ओर से कपड़े के बंधन को ढीला करते हैं पहले। फिर पेट और छाती की कसी हुई वस्त्रों को हम खोल देते हैं, रोगी के आसपास लोगों से हटा देते हैं लोगों को और कृत्रिम सांस उस समय हम देते हैं। ये किस विधि से देती है हम पढ़ेंगे, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाहौर विधि, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड से सांस हम दे सकते हैं। जैसे बताया कि जिस व्यक्ति को कृत्रिम सांस देना तो उसको हम पलट कर लिटा देते हैं। जैसे ये जो भी ये रोगी है गिरा हुआ है, जलीय आग में कहीं पे झुलस गया है, आग में उसको घुटन हो रही है कमरे में, बंद कमरे में या जो भी जैसा भी स्थिति में है वह, तो हम उसको उल्टा लिटा कर उसका सिर तिरछा कर देते हैं। फिर उसके बाद हाथों को फैला देते हैं और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं घुटने के बल बैठकर अपने दोनों हाथों से रोगी को कमर के ऊपर हाथों की कलाइयां मिलाकर रखनी चाहिए। फिर दोनों हाथों से अंगूठे से दबा देना चाहिए और अंगुलियों को बगल की ओर से दोनों अंगूठों का जो मेरुदंड पर देना चाहिए और धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठा देना चाहिए। इससे एक सेकंड में ही बाद में उसको दबाने के बाद एक सेकंड बाद ही छोड़ना चाहिए। इस प्रकार कमर पर भार पड़ता है तो उधर के बीच का जो होता है वह जो पॉइंट होते हैं वह दबते हैं और वक्षों के बीच वाली पेशी जो डायफ्राम होता है वो ऊपर उठ जाता है और फेफड़ों में भरी हुई हवा निकल आती है बाहर की। फिर दूसरी बार में हम कमर से बाहर हटा देते हैं और मांसपेशियां नीचे हट जाती है जिससे उसका दबाव पड़ता है और वह हवा भर जाती और निकल आती है बाहर की तरफ। फिर थोड़ी देर के बाद हम श्वास क्रिया शुरू करते हैं और सांस क्रिया 1 मिनट से 10 से 20 बार में करनी चाहिए। कृत्रिम सांस देते हुए मैं सांसें ना आ रही हूं तो रोगी को मरा हुआ समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए बल्कि लगातार सांस दिलाते सांसें दिलाते रहना चाहिए। इस प्रकार हम फिर रोगी को बचाव के लिए बाहर से पकड़े रहते हैं और पकड़ने से बीच में छूटकर अंदर जाने की संभावना नहीं रहती है और प्राथमिक चिकित्सा को स्वयं रोगी के कोहनियों के नीचे कलाई की ओर पकड़कर इस प्रकार जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि कैसे पकड़ कर ये सांस दिलाई जा रही है, देख रहे हैं आप चित्र में। फिर कोहनियां उसके नीचे पृथ्वी को छू जाए और ऐसा करने से फेफड़े हैं और फिर उसके बाद वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और इसके पश्चात रोगी की बाहों को ऊपर उठाकर मोड़ देते हैं
कराना चाहिए इस विधि से, ये वाली विधि से 14 से 15 बार। तो सूंघने की कोशिश कोई भी चीज है औषधि जैसे अमोनिया आदि सूंघने से लाभ होता है, सांस लेने में सहायता होती है और इससे वक्ष स्थल पर गीला कपड़े से तौलिया से फेरने से भी लाभ होता है। बच्चों आज हमने कृत्रिम श्वसन के बारे में पढ़ा है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसको कॉपी में लिखें।